बाबा की तारीफ करें कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना हमारे महाकाल जैसा कोई और नहीं। नमस्कार दोस्तों, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साल भर में एक बार महाशिवरात्रि का पर्व आता है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में तीन जो है बाबा का जो धाम है वो स्वयं भू है, एक नीलकंठेश्वर महादेव, दूसरा जो है बुढ़ेश्वर महादेव और तीसरा केश्वर महादेव घाट जो महादेव घाट में स्थित है। ये तीनों महादेव का जो घाट है ये तीनों स्वयंभू कहा जाता है और यहाँ के संस्थापक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं और इस महापर्व पर जानते हैं क्या कुछ कहना है उनकी तरफ से। स्वागत है सर। आज महाशिवरात्रि का महान पर्व है और हर वर्ष की भांति नीलकंठेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों की भीड़ होती है। साथ ही हम लोग यहाँ पे शिव जी की बारात निकालते हैं क्योंकि आज शिव जी के शादी का दिन है और आज एक विशेष महत्व का दिन है। तो आज हम लोग यहाँ से शिव जी की बारात निकालते हैं जिसमें बहुत सारी संख्या में लोग आते हैं, उस बारात में शामिल होते हैं। हम लोगों ने इस वक्त उड़ीसा से वाद्य यंत्र मंगाया, बाजा बजाने वाले झांकियाँ मंगाई है राजनांदगांव से, जिसमें शिव जी की शादी का उसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। और नीलकंठेश्वर धाम जब से स्थापित हुआ है तब से यहाँ पे महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमेशा इसी तरह से ऐतिहासिक भीड़ होती है। पिछले दो साल से क्योंकि कोरोना काल के कारण सब कुछ बंद पड़ा था, कितने श्रद्धालुओं के आने की आशंका है इस बार? हमारे यहाँ लगभग 20,000 से 30,000 लोग दिन भर में यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं और जब बारात निकलती है उसमें कम से 5,000 से 7,000 लोग उस बारात में शामिल होते हैं। इस बार के बारात में क्या कुछ खास है महादेव के लिए? क्योंकि ये दिन ही खास है इसलिए जो हम लोग झांकी की विशेष व्यवस्था रखे हैं, इस समय हमारे नीलकंठेश्वर धाम परिवार के समस्त समिति सदस्य ने इसमें पूरा मेहनत किया है। एक झांकी बनाई है जिसमें शिव जी की शादी का रूप दिखाया गया है और एक नीलकंठेश्वर धाम की जो मूर्ति स्थापित है उसका एक छोटा रूप मूर्ति के रूप में हम झांकी में निकाल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं, बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ महादेव के आज दर्शन करने आ पाई हैं, क्या मनोकामनाएं आपकी? सर, मेरी मनोकामना बहुत अच्छी है कि अभी जो हमारा एग्जाम है वो सब अच्छे से हो जाए बस। एग्जाम अच्छे से हो जाएगा और कुछ भी है परिवार के लिए कुछ माना है आपने? हाँ हाँ, वो सब बताते तो नहीं है बट ये है कि सब बहुत अच्छे से रहे, ये कोरोना काल है वो अच्छे से चल दिया, तो अभी थोड़ा बहुत है तो थोड़ा डर है, बाकी बहुत अच्छे से मतलब अब रिकवर हो रहा है। आज जो है बाबा का और माँ पार्वती का जो है विवाह होगा, बारात निकाली जाएगी, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत अच्छा है सब, कोरोना काल में दो साल बहुत परेशान थे, बहुत अच्छा लगा। हमारे जो संस्कृति है भगवान शिव पार्वती की जो ये है उसमें बहुत आस्था है सर और बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि दो साल से कोरोना का तांडव था और सारी चीज़ें बंद पड़ी थी, ऐसे में महादेव के आशीर्वाद से इस बार जो है लोग श्रद्धालु आ पा रहे हैं, तो कितनी खुशी है, कितनी आपके अंदर में वो उत्सुकता है? इसमें तो बहुत उत्सुकता है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, सब परिवार आ रहे हैं, अपने जो मनोकामना है उसको पास आके मांग रहे हैं सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार? मैं भगवान भोलेनाथ की इस बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोरोना काल में दो साल तक ये आयोजन ऐसा नहीं हो पाया जो इस बार हो रहा है। और मैं भगवान भोलेनाथ से सभी भक्तों के लिए कामना करता हूँ कि ये कोरोना काल का समय जो कष्ट आया था वो निकला है, जो वो दोबारा ना आए, आपकी कृपा हम सभी भक्तों बनी रहे और ऐसे ही हम लोग आपके दर्शन करने आते रहें। जय भोलेनाथ। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शन करने क्या मनोकामनाएं लेकर आई? मनोकामना तो कभी बताते ही नहीं है, मतलब भगवान से इच्छा होगी कुछ आपकी सांकेतिक रूप से आप बताना चाहेंगे? स्टडी के लिए, स्टडिंग को लेकर के। अच्छा, क्या क्या चढ़ावा चढ़ाया जाता है कुछ बताना चाहेंगी? नारियल, बेलपत्र और कुछ कुछ रहता जो मुझे याद। काल की बात आई, काफी खुश नजर आ रही हैं आप और भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं, देखिए क्योंकि अंदर में शिव जी की जो है मूर्ति है और लगातार यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कुछ और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। आप कहाँ से? संतोषी नगर से। संतोषी नगर से। क्या लगता है कोरोना के बाद जो है खुला है मंदिर और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? बहुत खुशी हो रही है कि भगवान के दर्शन को अब समय मिल गया है, इसलिए हम सब परिवार आए हैं।
शांति सुकून और परिवार की कई मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए कई युवा छात्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करते हैं, एक युवा है हमारे साथ, शुभ नाम आपका? कुणाल रोहनसी। अच्छा, क्या मनोकामनाएं लेकर आज मंदिर में पहुंचे? कॉलेज में अच्छे डिवीजन से पास हो जाए इसके लिए, और भविष्य हमारा उज्ज्वल हो इसलिए। पढ़ाई करते हैं ना? अच्छा, आपके साथी हैं, बहुत चित्र हैं, बातचीत करते हैं। आदित्य चंद्रवंशी नाम। देख, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है यहाँ पर। दो साल के बाद मंदिर खुला हुआ है। इस बार महादेव के इस दरबार में दो साल तक लगातार कोरोना का तांडव था, कई श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख पा रहे हैं कि लोगों का तांता लगा हुआ है। बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आपका शुभ नाम भैया? सुनील नायक। क्या मनोकामनाएं लेकर अपने अंदर एक शांति सुकून, क्या जिंदगी अच्छे से चले और भविष्य में क्या कि सभी की, अभी जो भारत देश में कोविड की जो चल रही थी वो महामारी जल्दी से खत्म हो जाए। कहाँ से ये मत? कहाँ से? ढेमर मोहल्ले से, टिकरा पारा से। क्या मनोकामना है इस बार आपको महादेव की तरफ? भगवान का सेवा करना है बस। श्रद्धालुओं को छूट दी गई है कि आप महादेव का दर्शन कर सकते हैं, हालांकि मास्क लगा करके और एक समुचित दूरी का प्रयोग करके हमें दर्शन करना चाहिए। श्रद्धालु उसको पालन भी कर रहे हैं, लेकिन संख्या ज़्यादा होने के कारण कुछ कुछ जगहों पर दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से बताया जा रहा है कि अब तक सब कुछ ठीक है। शांतिप्रिय तरीके से बाबा का लोग दर्शन कर रहे हैं। आपको हम सीधी तस्वीर इसमें लीन कठेश्वर महादेव की ओर से दे रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तीन ऐसे मंदिर हैं जिनको बताया जाता है कि ये स्वयंभू मंदिर हैं, जिनमें नीलकंठेश्वर मंदिर, बुढ़ेश्वर मंदिर और महादेव मंदिर जो है ये प्रमुख रूप से आते हैं। ये तीनों मंदिर जिनको स्वयंभू कहा जाता है। अब इस समय हम हटकेश्वर महादेव जो कि महादेव घाट में उपस्थित हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और तमाम श्रद्धालु इस समय भी इस बाबा के धाम में आशीर्वाद लेने पहुँचे। कुछ श्रद्धालुगढ़ मेरे साथ में, क्या बाबा की विशेषता है यहाँ की? यहाँ पे बाबा की विशेषता, सारे बाबाओं की विशेषता है, ये हमारे बाबा हमने स्थापित नहीं किया है, ये अपने आप आए हुए हैं। ये मंदिर बहुत ही पुराने समय से बना हुआ है, ये किसी ने बनाया नहीं गया है। अब तक श्रद्धालुओं में क्या देखा गया, मतलब किस प्रकार के श्रद्धालु अब तक मतलब मंदिरों में, क्योंकि बताया जाता है कि हर समुदाय के मंदिरों में श्रद्धालु आते हैं, तो अब तक किस किस प्रकार के श्रद्धालु आपको देखें, क्योंकि आप लोग सेवादाओं हैं तो हर प्रकार के श्रद्धालुओं से आपका सामना करना पड़ता है। अभी तो यहाँ पे जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, आज इतने भीड़ में भी जो धक्का खा के आ रहे हैं, उनको तो सीधे से बोल सकते हैं बाबा के नाम से पागल है वो। अच्छा, महाकाल, क्योंकि युवाओं में एक बड़ा शब्द प्रचलन में चलता है, महाकाल, क्या लगता है बाबा के धाम में इस बार आई हैं, दो साल बाद जो है मंदिर खुला हुआ है, कैसा लग रहा है? भीड़ बहुत ज़्यादा है और लग रहा है लोगों में भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस साइड में लगातार ये जो है सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं में जो किसी प्रकार का कोई कोरोना का डर न हो। और भी श्रद्धालु गण, तमाम लोग जो इसमें आप देख रहे हैं मंदिर परिसर में हम उपस्थित हैं, श्रद्धालुओं का लगातार तांता देखने को मिल रहा है। कैमरामैन से अनुरोध करूंगा जरा बाबा का एक बार हमारे श्रद्धालुओं को सीधा प्रसारण के माध्यम से न्यूज़ प्लस 21 के माध्यम से दर्शन कराएं। बाबा का इस समय जो है भव्य श्रृंगार किया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से अब तक सब कुछ? जी जी जी, जरूर जरूर, शांति पूर्वक ये सब कार्य। अभी बाबा का जो है बारात कब निकलेगी कुछ बता? अभी एक या डेढ़ घंटे में निकल जाएगी शायद। अच्छा, अच्छा, और क्या बोलते हैं सजावट में क्या कुछ अलग किया गया आम दिनों से, कुछ बता पाएंगे? हर चीज ही अलग किया गया, आज खासी दिन है बाबा का। तो सीधी तस्वीर न्यूज प्लस 21 के माध्यम से इस समय आपको दिखा रहे हैं, बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस समय आप देख पा रहे हैं तस्वीर न्यूज प्लस 21 के माध्यम से। हम सीधा जो है मंदिर परिसर से आपको इस वक्त की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। तमाम श्रद्धालुओं का इस समय जो है एक हुजूम बाबा के दरबार में है। कहा जाता है कि बाबा से जो भी मांगा जाता है हटकेश्वर बाबा से, वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लगातार हमारे कैमरामैन आपको सीधी तस्वीर न्यूज प्लस 21 के माध्यम से आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुरक्षा की भी यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। अब तक सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से बाबा के दरबार में बीता है। जल चढ़ाने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बाहरी व्यवस्था कर दिया गया है और सीधा जो है ये पिंड पर जो है जल जाकर गिर रहा है। हर वर्ग हर समुदाय के व्यक्ति इसमें मंदिर परिसर में उपस्थित हैं। कुछ और भी श्रद्धालुगण हैं, जैसे ही वो हमारे पास आते हैं बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। भोलेनाथ की कृपा दृष्टि है, उनका आशीर्वाद है, सब बढ़िया सुख शांति से चल रहा है। कोरोना काल खत्म हो गया है, नहीं के बराबर है, बाबा जी की अच्छी कृपा है कि बढ़िया सुख शांति से अभी तक कार्यवाद चल रहा है। श्रृंगार किया गया आम दिनों से अलग दिख रहा है आज बाबा। अभी और भी कुछ तैयारियां की?
नहीं अभी अभी कोई श्रृंगार सुबह होगा, कल दोपहर में श्रृंगार होगा, अभी कोई श्रृंगार नहीं होगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया। और भी श्रद्धालुगण है, कहाँ से हैं आप? हम लोग यहीं के लोकल। शुभ नाम? मेरा नाम पूजा है, यहीं से आए हम लोग। क्या लगता है कि क्योंकि दो साल से लगातार सब कुछ बंद था और दो साल बाद वर्ष खुला है जो है, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? यहाँ बहुत भीड़ लग रही है, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है कोविड के कारण है, लगता है अचानक खुला तो एकदम भीड़ बढ़ गई। हटकेश्वर बाबा को कहा जाता है कि ये स्वयंभू हैं, मतलब इनका जन्म जो उद्गम जो है यहीं पर हुआ था, तो यहाँ पर मनोकामनाएं आकर पूर्ण होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर पूरा मनोकामना पूर्ण होती है। स्वभूमि पर इसमें आप उपस्थित है, स्वयंभू यहाँ पर भगवान की हुई थी उत्पत्ति, उद्गम हुआ था, क्या कहना चाहेंगे आकर, कैसा लग रहा है? आगे मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, आज महाशिवरात्रि की जो पर्व है उसमें धन्य धान्य है यहाँ इस जगह पे। कहाँ से? यहीं से। क्या नाम है? सुबह दिशा। चॉकलेट बिस्किट क्या मांगे? सच बताना, पढ़ाई के लिए। ये जो आप देख रहे हैं दरअसल ये उत्तराखंड हरिद्वार जो ऋषिकेश है वहाँ पर लक्ष्मण झूड़े उसी के तर्ज पर ये बनाया गया है। तमाम इस समय आप भीड़ देख पा रहे होंगे कि श्रद्धालुगणों का इस समय आनंद ले रहे हैं लक्ष्मण झूले, और लगभग दो साल से ज़्यादा समय हो चुका है लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और आनंद लेते हैं, क्योंकि कोरोना का समय था इस कारण लोग पिछले दो साल से नहीं आ पा रहे थे और इस बार कोरोना कम हुआ है, लोग आए हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। और इधर आप देख पा रहे हैं एक तस्वीर, और कैमरामैन से अनुरोध करूँगा दिखाएं जरा, इधर जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है नाव चल रहे हैं नदी में, ये खारून नदी है जहाँ पर, क्योंकि नाव आप सामान्य देखे होंगे कि, लेकिन इसमें जो आप देख पा रहे हैं नाव ये कुछ सजावट के साथ चल रहे हैं और भारी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। भीमनगर से पहली बार आई? नहीं नहीं, ये सेकंड साल है। ये सेकेंड ईयर है? पहली बार आई हूं। क्या लगता है मंदिर में आपने बाबा का दर्शन किया? अभी तक तो नहीं, भीड़ इतना है कि मुश्किल हो जा रहा है, लंबी लाइन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ध्यान से बाबा का इस समय दर्शन कर रही हैं। शिवरात्रि में आते हैं और सावन सोमवारी में। अच्छी हो? अच्छे हो, कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है? प्रांजल आया। क्या लगता है बाबा से मिले अंदर? हाँ। क्या मांगे? सच बताना। बुद्धि। बुद्धि नहीं, झूठ बोल रहे, बुद्धि तो मांगे ही हो, ये बताओ चॉकलेट मांगे की नहीं? तो जैसा कि आपने देखा कि हमने एक छोटे से मासूम बच्चे से बातचीत किया और उसने बताया कि वो मंदिर परिसर के अंदर जो है बाबा से बुद्धि के साथ साथ वो उनको चॉकलेट प्रदान करें, और भी तमाम श्रद्धालुगण हैं। बस यही खुशी है कि सब लोग एक साथ अपना दर्शन कर रहे हैं, पहले वाला समय फिर वापिस आ गया तो दर्शन करके बड़े अच्छा लग रहा है। दो साल से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं तो बाबा से कुछ ऐसा भी नहीं हो रहा कि बहुत हो गया बाबा, बच्चे स्कूल जाएं, कुछ पढ़े लिखे भी? वही प्रार्थना करें कि बाबा अब ऐसे दोबारा ऐसा ना हो। अच्छा ये बताओ बाबू आपका नाम क्या है? मयूरेश शर्मा। हाँ, मयूरेश शर्मा। मयूरेश शर्मा, दो साल से तो खूब गेम खेले हो घर में मोबाइल में, तो क्या लगता है बाबा से इस बार भी यही मांगे क्या कि बाबा एक साल और लगा दो, लॉकडाउन थोड़ा और खेल लेते हैं? नहीं। पढ़ाई वढ़ाई को लेकर कुछ मांगे? हाँ। और पापा मम्मी से भी कुछ मांगे क्या अंदर में कि ये बाबा पापा के साथ कुछ ऐसा कर दो कि कुछ और पॉकेट मनी दे दिया करें? हाँ। मेरा नाम अजय कुर्रे है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीएड की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। अच्छा। मैं जी, तो इस बार क्योंकि दो वर्ष के बाद बाबा का धाम खुला हुआ है और आप लोग दर्शन करने आए, क्या कहना चाहेंगे? जी तो बहुत अच्छा लगा कि दो साल बाद से हमारा अवसर मिला हम लोग को कि बाबा जी का दर्शन करने मौका मिला, हर मेरे खास से सभी लोग को मौका मिला, पूरे देशवासी को, प्रदेशवासी को, और खासकर लॉकडाउन के समय जो जितने ही पढ़ाई वाले बच्चे थे, खासकर जो प्राथमिक बच्चे थे, उनको परीक्षा से वंचित हो गए थे, तो बाबा जी से हमारी दरख्वास्त है कि सबको पढ़ने का वापस से मौका मिले और सबके सबका भला हो। लगातार ये भी खबरें आ रही थी और हमने खुद भी छापा कि छात्र जो हैं आधुनिक चीज़ों में ज़्यादा विलीन हो गए हैं और गेम वेम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई से दूर हो जा रहे हैं क्योंकि प्रायोगिक चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी भी कुछ भी मनोकामनाएं आप लोगों की? जी हाँ बिल्कुल, मनोकामना ये है कि सभी लोग जितने भी बच्चे हैं और युवा है सभी को अच्छे से पढ़ें और जो गेम की दुनिया से बाहर निकले, व्यक्तिगत दुनिया से ज़्यादा जुड़े हैं, तो वो बेटर लाइफ। आपका शुभ नाम? वैशाली कुर्रे नाम है मेरा। रायपुर से? हाँ, ये भाई है मेरा। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहा हूँ? मैं अभी वो नीट का पेपर दिला ली हूँ, बस काउंसलिंग का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, नीट आप जो है क्वालिफाई कर गए हो प्री एग्जाम? हाँ, नीट क्वालिफाई हो गया, काउंसलिंग का वेट कर रहा हूँ। तो क्या लगता है इसके पहले भी आई थी आपने? हाँ, बहुत पहले आई थी, कोरोना से पहले, अभी कोरोना के बाद आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाबा का आशीर्वाद रहा पेपर के दौरान आपके? हाँ बिल्कुल, सब अच्छे से हुआ। कुछ मनोकामनाएं अपने साथियों के लिए भी मांगी? हाँ बस यही है, कोरोना निकले जल्दी, सब अच्छे से पढ़े। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की बारात जाने के लिए सभी शिव भक्त बड़े उत्सुक हैं और तैयार हैं, और
एक दिन पूर्व भगवान शिव को हल्दी कुमकुम का रस्म जो होता है शास्त्र अनुसार, वह रस्म कल पूरा कर दिया गया है। आज हम सब यहाँ पर जो उपस्थित हैं, ये सब बाबा की बारात में उपस्थित हुए हैं, और सभी भक्त जो आए हुए हैं बाबा की बारात में, वे बाबा को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार की वस्तुओं को बाबा के समीप रखकर अपनी मनोकामनाओं से बाबा को अवगत करा रहे हैं। और बुढ़ेश्वर महादेव जो हैं अपने आप में एक पहचान है, खाली इनके दर्शन मात्र करने से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए विशेष पर्व पे जो शिव जी के भक्त हैं वे शिव जी के पास तत्काल पहुंचते हैं और अपनी सेवा वहां पर उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी मनोकामनाओं से उनको अवगत कराते हैं। कितने श्रद्धालु हैं, उनमें क्या जुनून है, उत्सुकता नजर आ रही है, एक प्रेम है ईश्वर के प्रति, आराधना विश्वास लेकर के तमाम श्रद्धालुगण यहां पर आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।